मेरी प्यारी बहनों, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत इस सभा में। आप बहुत समय से मेरा इंतजार कर रही हैं, धूप भी है आज, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे भाइयों, आपका भी स्वागत। श्री हरीश रावत जी, जिनके विवेक और अनुभव से मैं रोज रोज कुछ ना कुछ सीखती हूँ, उनका यहाँ इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। श्री यशपाल आर्या जी, श्री देवेंद्र यादव जी, श्री सुमित हृदेश जी, श्री महेश शर्मा जी, दीपिका पांडे जी, सतीश नैनवाल जी, राहुल जिनवाल जी, सरिता जी, अन्य कांग्रेस पार्टी के नेता जो मंच पे बैठे हैं, जो कार्यकर्तागण यहाँ आए हैं, और सरिता जी, और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारे का प्रतीक श्रीमती लीला जी, आपका भी इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। आपसे मिलके बहुत गर्व हुआ, पता चला कि मेरी उत्तराखंडी बहनें कितनी मजबूत हैं, कितनी निडल हैं। शेर से जिसने सामना किया है, वो जीवन के सारे संघर्षों से शक्ति से सामना करेगी। तो देखिए, रावत जी ने इंदिरा जी के बारे में बात की, मेरी दादी जी के बारे में। मेरी दादी जी का उत्तराखंड के साथ एक बहुत गहरा रिश्ता था। मैं छोटी थी तो कई बार देहरादून लाई थी मुझे आनंदमाई माँ के आश्रम में आनंदमाई माँ जी से मिलने। हमेशा समझाती थी कि यहाँ की जो प्रकृति है, यहाँ के जो सुंदर हिमालय की पहाड़ हैं, इनका क्या मायना है, किस तरह से इनको बचा के रखना है, किस तरह से जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ पे जीते हैं, क्या उनके संघर्ष हैं। वे हमेशा अपने हृदय में आपका विकास रखती थी। इसी तरह से आपको यहाँ हल्द्वानी में अपनी ही इंद्राजी मिली, इंदिरा हृदेश जी। उन्होंने भी दिन रात आपके लिए काम किया। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अभी मैं यहाँ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी की विधानसभा से आई हूँ, खटीमा से, और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि यहाँ की सड़कें, यहाँ का विकास कहीं बढ़कर है वहां से, जबकि आपकी जो विधायक रही कई सालों से, वे विपक्ष की नेता थी। उन्होंने पूरी कोशिश की कि जहां जहां भी आपका विकास हो पाए, आप आगे बढ़ पाए, उसके लिए वो प्रयास करें, दिन रात मेहनत की आपके लिए, इसीलिए आप भी उनको अपने हृदय में रखते हैं। आज उन्हीं के बेटे यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। हमें गर्व है कि उनमें भी वही आदर्श है, वही चाहत है आपके लिए दिन रात काम करने की, जो उनकी माता जी के हृदय में थी। अब देखिए, मैं यहाँ आपके सामने इसलिए आई हूँ कि चुनाव के बारे में कुछ बातें मैं आपसे करूं। चुनाव आ गया है, आपने देखा है कि बहुत सारे ऐसे मंच लगे हैं, बहुत सारी मीटिंग होती है, बहुत सारे बड़े बड़े नेता आते हैं यहाँ, बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आपकी एक असलियत है, उस असलियत को कोई नेता नहीं जानता। उस असलियत को आप सबसे अच्छी तरह जानते हैं, उस असलियत का एहसास आपको है। जिन परिस्थितियों में आप जी रहे हैं, वो आपसे बढ़कर कोई नहीं जानता है। मेरी बहनें जानती हैं कि कितना संघर्ष करना पड़ रहा है, मेरी बहनें जानती हैं कि समाज का सारा बोझ, महंगाई का बोझ, बेरोजगारी का बोझ, जो किसानों की समस्या है उनका बोझ कौन उठाता है। मेरी बहनें उठाती हैं, दिन रात खेती में काम करती हैं,
घर आकर गृहस्थ है तो घर भी संभालती है, बच्चों की परवरिश को देखती है, अपने पति के साथ मेहनत करके अपने बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे इकट्ठा करती है, चाहती है कि अपने बच्चों का भविष्य मजबूत बने, उज्जवल बने। इसी तरह से जो मेरे किसान भाई हैं, वो खुद जानते हैं कि पिछले 5 सालों में क्या क्या संघर्ष देखे हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश से लगा इलाका है, सामने आगे उत्तर प्रदेश है, वहां के किसानों ने, यहाँ के किसानों ने, हरियाणा के किसानों ने, पंजाब के किसानों ने आंदोलन क्यों किया, इतना संघर्ष क्यों किया, एक साल के लिए इतने किसान शहीद क्यों हुए, अटल क्यों रहे, अडिग क्यों रहे? क्योंकि वो जानते थे कि इस सरकार की नीतियां क्या है, वो समझते थे कि जिन परिस्थितियों से आज गुजर रहे हैं उनसे कई ज्यादा मुश्किल परिस्थितियां आने वाली हैं अगर ये किसान कानून लागू हुए। वो जानते थे कि इस सरकार की नीयत क्या है। इसी तरह से यहाँ के नौजवान, हाथ उठाइए कितने नौजवान है यहाँ, अच्छा हाथ नीचे करिए। अब मुझे बताइए कि आप में से कितने ऐसे नौजवान हैं जिनको पिछले 5 सालों में सरकारी नौकरी मिली है, मिली है, सुनाई नहीं दे रहा, नहीं मिली ना? एक भी ऐसा नौजवान है जो इस पूरे हजारों लोगों के बीच में से खड़ा होकर मुझे बता सकता है, एक भी ऐसा नौजवान है जिसे रोजगार मिला? नहीं मिला ना? क्यों नहीं मिला? क्या सरकार में खाली पद नहीं है? क्या कहा रावत जी ने अभी? हजारों खाली पद है, हजारों बेरोजगार नवयुवक है, तो बताइए पद खाली क्यों है? 5 सालों में आपकी सरकार थी, आपने एक भी पद नहीं भरा, आपने एक भी रोजगार नहीं दिलवाया। यहाँ पहाड़ है, नदियां हैं, इतनी सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य इतना है, पर्यटन के इतने मौके हैं, कैसे मौके बनाए आपने रोजगार के लिए? कोई बताता है? कोई नहीं बताएगा आपको। भाजपा का एक एक नेता ऐसे मंच पर आकर नहीं घोषणाएं करेगा, ये बताएगा कि कितने रोजगार नहीं बनाएंगे 5 सालों में, ये कभी नहीं कहेंगे कि कितने बनाए, क्योंकि कह नहीं सकते, क्योंकि बनाए नहीं। चाहे किसानों के लिए उन्होंने जो किया उससे आपकी मुश्किलें बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, आप सोच सकते हैं? मुझे ताज्जुब होता है कि उत्तराखंड में बेरोजगारी पूरे देश में सबसे ज्यादा उत्तराखंड में है। अरे उत्तराखंड में इतना हुनर है, तमाम उत्तराखंडी नवयुवक, महिला पुरुष दिल्ली में काम करते हैं, मैं देखती हूँ कितना हुनर है उनमें। पलायन क्यों हो रहा है? यहाँ के गांव खाली खाली क्यों पड़े हैं? आपको बाहर जाके रोजगार क्यों ढूंढना पड़ रहा है? क्योंकि आपकी सरकार आपको रोजगार का मौका यहाँ अपने प्रदेश में नहीं देती। तो आप किसानों को देखिए, नौजवानों को देखिए, महिलाओं को देखिए, सब की संकटें बढ़ रही हैं। 5 सालों में किसी का संघर्ष कम नहीं हुआ। महंगाई की बात करते हैं, आपको कैसे कैसे घोषणाएं की थी चुनाव से पहले कि कैसे महंगाई नीचे आएगी, कम होगी, आज क्या परिस्थिति है आप बताइए? आपको एक गैस सिलेंडर के लिए कितना देना पड़ता है? यहाँ तो फिर भी 1000 रुपए में आपको मिल जाएगा, पहाड़ों में जाके देखिए जब तक ट्रांसपोर्ट होता है तो 2000 रुपए में नहीं मिल रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम, हर चीज के दाम बढ़ गए हैं, सिर्फ गेहूं और गन्ना और धान का दाम नहीं बढ़ा, वो दाम आपको नहीं मिलेगा। तो सरकार कर क्या रही है? यहाँ प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार, दोनों सरकारें हैं, डबल इंजन बताया था आपको, डबल इंजन की सरकार है, बड़ी तेजी से बहुत रफ्तार से विकास आएगा। क्या आया? क्या आया? कुछ नहीं आया, जबकि सब कुछ आ सकता था। तो गड़बड़ है ना कुछ? क्या गड़बड़ है? गड़बड़ ये है कि सरकार की नीयत खोटी है, सरकार की नीतियां
इस प्रदेश के वासियों के लिए नहीं बन रही हैं। अगर सरकार की नीतियां आपके लिए बनती तो इतने मौके बनते पर्यटन के लिए, आपके व्यापार के लिए इतने मौके बनते, इतने रोजगार बनते, खाली पद भरे जाते। लेकिन नियत ही नहीं थी ना। नियत क्या थी और क्या है? नियत यही है कि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री जी के मित्र हो, चाहे मुख्यमंत्री जी के मित्र हो, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए, अमीरों के लिए चल रही हैं ये सरकारें। इन सरकारों में गरीबों की कोई सुनवाई नहीं है, किसानों की कोई सुनवाई नहीं है। इसीलिए महंगाई बढ़ती चली जा रही है, इसीलिए आप रोजी रोटी कमा नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनके उद्योगपति मित्र हर रोज हजारों करोड़ रुपए कमा रहे हैं। किसान कानून क्या थे आखिर? किसान कानून यही थे कि मेहनत करेगा किसान, खून बहाएगा किसान, पसीना बहाएगा किसान, फायदा होगा उद्योगपतियों का, किसान का फायदा नहीं होगा। तो ये सरकार ऐसी है जिनकी नीयत खोटी है। अगर इनकी नीयत साफ होती तो चुनाव के समय आपको बताते कि हमने ऐसे ऐसे काम किए आपके लिए, हम ऐसा ऐसा करना चाहते हैं। ये नहीं होता कि चुनाव के समय फिजूल के मुद्दे उठाते जिससे आपके जज्बात उगलते, जिसका इस्तेमाल वो करते हैं। जब आपके सामने आके सांप्रदायिक बातें करते हैं, जातिवाद की बातें करते हैं, तो समझ लीजिए आप में बहुत विवेक है, हमसे ज्यादा विवेक आप में है। समझ लीजिए क्या हो रहा है, आंख बंद करके वोट मत दीजिए। समझ लीजिए कि जो नेता ऐसा कर रहा है, जो राजनीतिक दल ऐसा कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने विकास के बारे में सोच रही है। वो सिर्फ वो नेता ये सोच रहा है कि मैं सत्ता में कैसे रहूंगा, मैं लोगों के जज्बातों का इस्तेमाल करूंगा और मैं सत्ता में रहूंगा। यही हो रहा है आपके साथ। अब जागरूक होने का समय आ गया है। ये समय आ गया है कि आप समझें कि आपको अभी एक ऐसी सरकार की जरूरत है जो आपके लिए काम करे, आपके बच्चों का भविष्य मजबूत बनाए, जो घोषणाएं ऐसी करे जो रख पाए, जिसका अनुभव है, सरकार चलाने का अनुभव है। कैसी सरकार है ये? 5 सालों में 3-3 मुख्यमंत्री, 4-4 मुख्यमंत्री बदलते हैं। कैसी सरकार है? सरकार चलाने का अनुभव ही नहीं है, इसीलिए बार बार बदलाव ला रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है? कांग्रेस पार्टी कह रही है हम आपके लिए काम करना चाहते हैं, आपकी सेवा के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, हम यहाँ का विकास करना चाहते हैं कि किसानों को गेहूं धान का सही दाम मिलना चाहिए। हम कह रहे हैं कि यहाँ की महिलाओं का विकास होना चाहिए। हमारा जो घोषणा पत्र है इसमें हमने कई चीजें लिखवाई हैं। ये हमने खोखले वादे नहीं लिखे हैं, हमने वही लिखा है जो हम कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली बात क्या है कि हम आपकी प्राकृति और आपकी परंपराओं की रक्षा करेंगे, 4 लाख रोजगार दिलवाएंगे। कैसे दिलवाएंगे? जो खाली पद है सबसे पहले उनको भरेंगे, फिर हम एक पर्यटन पुलिस बनाएंगे जो खास, जिसमें खास नए नए रोजगार बनेंगे। फिर हम आपको मदद करेंगे, आपकी सहायता करेंगे कि आप छोटे छोटे यूनिट, छोटे छोटे रोजगार आप शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए हम आपको सपोर्ट करेंगे। जिस तरह से सरकार ने छोटे व्यापारियों को, दुकानदारों को इतनी मुश्किल में डाल दिया है, पहले नोटबंदी, फिर GST, फिर लॉकडाउन, बगैर किसी मदद के, हम जानते हैं, समझते हैं। हम कह रहे हैं कि हम आपकी मदद करेंगे। आपने देखा कि कोरोना में क्या हुआ, झूठ पे झूठ बोला गया, यहाँ तक कि जो टेस्टिंग है उसके बारे में झूठ बोला गया, आपको स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिली, कितनी बुरी संकट आई, सरकार ने आपकी मदद नहीं की। इसलिए हम चाहते हैं कि गांव-गांव में स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचे। इसके लिए हम ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे, नई नई तकनीक का इस्तेमाल करेंगे ताकि गांव-गांव में ही स्वास्थ्य सुविधाएं, दवाइयां, सब कुछ मिले और आपको संघर्ष नहीं करना पड़े कहीं पहुंचने के लिए जब आप बीमार हों।
गैस की सिलेंडर की मैंने बात की थी, हम आपको कह रहे हैं, ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि गैस के सिलेंडर का दाम हम 500 रुपए पर सिलेंडर से ज्यादा अधिक हम होने नहीं देंगे। हम उसको सब्सिडाइज करेंगे, जो जब बढ़ेगा उसको सब्सिडाइज करेंगे। देखिए, पिछले सालों में बहुत संघर्ष करना पड़ा है पब्लिक को, इसीलिए जिन परिवारों को सबसे ज्यादा संकट हुआ, जो सबसे गरीब है, सबसे पिछड़े हैं, उन 5 लाख परिवारों के लिए हमने ये तय किया है कि सालाना 40,000 रुपए उनको सरकार देगी। मेरी बहने, आपके लिए पुलिस विभाग में 40% पद आरक्षित किए जाएंगे, सरकारी बसों में आपकी यात्रा फ्री में होगी। आपके प्रदेश ने हमेशा इस देश के लिए अपनी जान दी, आपके यहाँ के बहुत लोग, बहुत सैनिकों ने हमारी सुरक्षा की, देश की सुरक्षा की, बहुत शहीद भी हुए। पूर्व सैनिकों के लिए, उनके आदर के लिए हम एक पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड का गठन करेंगे। इसके साथ साथ उनके कल्याण के कार्यक्रम, उनके बच्चों की शिक्षा, उनके पेंशन, उनके निकास के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी। इस तरह से हम आपके प्रदेश का विकास करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आपका भविष्य मजबूत बने। जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, सुमित हृदेश जी, महेश शर्मा जी, आ जाइए, महेश शर्मा जी, यशपाल आर्या जी, हरीश रावत जी, जो यहाँ की सारी विधानसभाओं के प्रत्याशी हैं, इन्हें आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये सब आप ही के लोग हैं और सब आपके लिए संघर्ष इन्होंने किया है और करते रहेंगे। इनको एक बार फिर मौका दीजिए, आपके प्रदेश को मजबूत बनाएं, आपके भविष्य को मजबूत बनाएं। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय हिंद, जय उत्तराखंड। धन्यवाद, धन्यवाद।